भाई मुझे आपको कुछ बताना है। क्या हुआ बहन, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बता तो मुझे, अगर कोई दिक्कत है तो मैं घर आ जाता हूँ। हाँ भाई आ जा। अच्छा तो मुझे ये बता, तेरी भाभी प्रीत कहाँ पर है? प्रीत भाई, प्रीत ना अपने आशिक। भाभी आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आने दो भाई को, मैं सब कुछ बता दूंगी उनको। अच्छा तो तू बताएगी, तुझे क्या लगता है कि तेरा भाई तेरी बातों पर विश्वास कर लेगा? क्या बताएगी तू कि मैं और मेरा आशिक तेरे को टॉर्चर करते हैं, तुझे मारते हैं? अरे उसके पास ना इतना टाइम ही नहीं है कि वो तेरी बातें भी सुन सके। तो ये तो तेरी गलत फहमी कि तेरा भाई तेरी सुनेगा। अच्छा यही होगा कि जो हम बोलते हैं वो करती जा, समझ गई? और एक बार तेरी प्रॉपर्टी हासिल करने के बाद ना तुझे तो जान से मार देंगे हम दोनों। अरे यार प्रीत, कहाँ इसके चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रही हो? आओ हम तुम चलते हैं, बैठकर मजे करते हैं ना रूम में। हाँ बेबी तुम ठीक बोल रहे हो, वैसे भी इसने हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हम लोग अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसको ऐसी रहने दो, चलो। और हाँ सुन, अगर तूने हम दोनों को डिस्टर्ब करने का सोचा भी ना तो याद रखियो अभी तो तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, आगे से जान से मार दूंगी। यार प्रीत, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी हमारे कब हाथ लगेगी? बेबी तुम्हें मैंने बोला ना कि तुम टेंशन मत लो, बस एक बार जैसे तैसे करके मैं ये प्रॉपर्टी अपने पति के नाम कर दूँ, उसके बाद उसकी बहन का काम तमाम तो मैं कर ही दूंगी। यार प्रीत, मेरा तो ऐसा मन करता है ना उस चुड़ैल का अभी गला घोट दूँ। और हाँ, हम तुम दोनों बैठ कर आराम से बात कर रहे हैं, अगर तुम्हारा पति आ गया तो तुम क्या करोगी? ओहो बेबी तुम ना बहुत टेंशन लेते हो, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरा पति इस टाइम नहीं आता है, और वैसे भी अगर वो आ भी गया तो तुम बेड के नीचे छुप जाना, कौन सा वो बेड के नीचे चेक करेगा? एक मिनट बेबी, मेरे पति का कॉल। हेलो प्रीत, कहाँ पर हो तुम? मैं तो घर पर ही हूँ। अच्छा सुनो, मैं घर के बाहर ही हूँ, पर आकर गेट खोल देना। क्या तुम गेट के बाहर खड़े हो? मेरा मतलब है कि तुम इतनी जल्दी आ गए। हाँ अब इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है, और वैसे भी मुझे मेरी बहन की याद आ रही थी इसलिए मैं जल्दी आ गया। अब गेट खोलो। हाँ हाँ ठीक है, तुम दो मिनट रुको, मैं आती हूँ। हाँ कन्हैया अब हम क्या करेंगे, मेरा पति तो गेट के बाहर ही खड़ा है। तुम एक काम करो, तुम जाओ जल्दी से, मैं इस बेड में छुप जाता हूँ। ठीक है तुम एक काम करो, तुम फटाफट छुप जाओ बेड के नीचे, मैं जाती हूँ। ठीक है ठीक है। क्या हुआ बहन, सब ठीक है ना? नहीं भैया कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ मनु, दीदी ठीक तो है ना? अच्छा तो ये बात है। वैसे प्रीत तुम्हें पता है हाथ में एक जादू सीख कर आया हूँ। जादू? कैसा जादू? कैसा जादू? जादू कुछ ऐसा है कि जैसे ही मैं तीन तक गिनती गिनूंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ सामने निकल कर आ जाएगा। बॉयफ्रेंड? जादू? ये सब तुम क्या बोल रहे हो मनु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लगता है तुम्हें ऐसा नहीं पता चलेगा, मुझे ना तुम्हें जादू करके दिखाना पड़ेगा, आओ मेरे साथ। मनु मनु लेकिन मेरी बात तो सुनो। मनु तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जादू करके दिखाता हूँ, एक दो तीन। गलत। कौन है ये? मनु ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे क्या पता ये कौन है, और तुमने तो बोला था कि तुम जादू करोगे तो मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, लेकिन मैं तो उसे जानती तक भी नहीं हूँ और मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा तो तुम नहीं जानती उसे, इसका मतलब तो ये चोर हुआ।
फिर तो इसकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, अपने किसी स्टाफ वाले को बुला लेता हूँ। हेलो, हाँ पाटिल, एक काम कर, जल्दी से एक PCR वैन भेज दे मेरे घर पे। एक चोर पकड़ा गया है, उसकी खातिरदारी करनी है, वो भी जमकर। ठीक है, पुलिस वाले को आने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं भी तो पुलिस वाला ही ना, तब तक इसकी खातिरदारी मैं ही शुरू कर देता हूँ। अरे भाई भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। हाँ, है ये मेरी गर्लफ्रेंड, जो आपके बहन के नाम ही प्रॉपर्टी है ना, उसे आपके नाम करवाना चाहते थे ताकि आपको मार सकें और ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए। बस ये सब मिलकर ना आपकी बीवी कर रही थी, बस मैंने तो इसमें इसका साथ दिया। अरे नहीं नहीं मोनो, ये पता नहीं कौन और क्या बकवास किया जा रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं कह रही हूँ कि झूठ बोल रहा है तुमसे। बस करो प्रीत, मेरे सामने ना अब ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानता हूँ कैसे तुम दोनों मिलकर मेरी बहन को टॉर्चर कर रहे थे और उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। और तुम्हें क्या लगता है मुझे सब कैसे पता चला? याद है तुम्हें वो वीडियो कॉल? शायद तुमने फोन लेना तो जरूरी समझा, लेकिन वीडियो कॉल काटना जरूरी नहीं समझा। मैंने सब कुछ अपने ऑफिस में बैठे बैठे सुन लिया था और उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ सकूं। अरे प्रीत, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुमने जो बोला मैंने वो किया, जो मांगा वो ला कर दिया, लेकिन तुमने बदले में क्या किया मेरे साथ? मेरी ही बहन को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। देखो मोनू, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहक गई थी, बस इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। देखो प्रीत, अब तुम्हारी कोई गलती कोई माफी यहाँ काम नहीं करेगी। एक बार को अगर तुमने मेरे साथ ऐसा कुछ करा होता ना तो मैं सह लेता, या फिर मेरे किसी भी लोगों के साथ, मेरे किसी भी रिश्तेदार के साथ ऐसा करा होता ना तब भी मैं सह लेता, लेकिन तुमने मेरी बहन के साथ करा है। तुम तो जानती हो ना, मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं है। अरे मैंने बड़े लाड प्यार से इसे पाल पोस कर इतना बड़ा करा है, इसलिए नहीं कि तुम इसे टॉर्चर कर सको, इसलिए कि ये खुशी से रह सके मेरे घर में। आज मैं तुम्हें और तुम्हारे आशिक को यहाँ से बिना कुछ कहे बस इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब खड़े क्यों हो, निकलो मेरे घर से, जाओ। आई एम सॉरी बहन, मुझे नहीं पता था तेरे साथ यहाँ मेरे ही घर पे इतने अत्याचार होते हैं, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुझ पर हाथ उठाएगा, तुझे ऐसे परेशान करेगा। हाथ से तेरा है भाई हमेशा तेरे साथ रहेगा।